मगर मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो है वो बच जाए बाप, उन सबको छूना और छूकर ब्लेस करना, मात तेरे मीठे और करना। आमीन। हालेलुया। भाई खुदा के सताइश बनेंगे, उसी के नाम को इज्जत जलाल देंगे, खुदा के हुजूर हम जबूर गाएंगे। तेरी नजात के शौक के बीच खुदी बेहोश है मेरी जान, सब मिलकर खुदा की सताइश करेंगे, इसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मेरे अजीजों,
आज जिस तरह के आप सब जानते हैं शराब की खाने की इबादत है, हम सब का खुदावंद के हजूर आना, उसकी मदद की इबादत करना, और जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया हम वैसे अपनी इबादत करते हैं, मिलकर हम सब खुदावंद की जो है वो प्रस्तुति करते हैं, ताकि जो हमारा जो हमें खुदावंद ने सिखाया मिल बैठ कर खाना, आपस में शेयर करना, आज शराबती खाने की वो इबादत है। इसके अलावा आज पांव धोने की इबादत भी है। आज वो दिन भी है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ अपने बदन को और लहू को शेयर किया। कई गिरजाघरों में ये इबादत 12 बजे की शुरू हुई है और 5-6 बजे तक जाएगी। हमारे गिरजाघर में 3:30 बजे शुरू हुई है। कोशिश करनी है कि हम भी वक्त से इसको खत्म करें। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि गिरजाघर में आते कितने लोग हैं वक्त पर। कि इबादत जो खुदावंद, अगर आज हम शराबती खाने की बात करते हैं तो शराबत का मतलब है मिलकर। हम गिरजाघर में तो मिलकर बैठ ही नहीं रहे। चल लोग आते हैं, वो इबादत करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, बाकी सब कहते हैं चलने यार। कि कईयों से पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि यार वो असल में ना हम शराबती खाने का इंतजाम कर रहे थे घर में, खाना बनाने की वजह से हम लेट हो गए। लेकिन जो इबादत का वक्त है, जो इबादत का टाइम है, उसको हमें सबसे पहले अपने घर में और अपने सेटिंग में, अपने वहां पर चीजों की सेटअप में रखना है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी सबसे पहले होना चाहिए इबादत का। मेरे अजीजों, इबादत का में संजीदगी से आना, वक्त पर आना, ये सब चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। मैं मिसाल देता हूँ ना, तो मुझे कई दफा मेरी मिसिज ने भी कहा कि यार आप जब भी मिसाल देते हो तो कहते हो कि देखो यार गैरकों में ऐसा करते हैं। तो हम जो डिसिप्लिन है, हमें जिसे जिन्हें सिखाया गया है कि कैसे दुआ की जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खड़ा हुआ जाए, तुम्हारी नस्ल कैसे हो, तुम कैसे बरकत पाओगे, कैसे तुम्हारी बरकतें बढ़ेंगी, कैसे तुम फजल को रिसीव करोगे, हर चीज हर आयत तुम्हें क्लियर बताएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी गलती पर गलती कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के फजल को रिसीव करने के लिए मेहनत करें। आए अपनी आंखों को बंद, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और ये दुआ हम बेटी महम के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कदूस 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 खुदा अलशरों के खुदा, खुदा ज़मीन आसमान के खालिक का मालिक, आसमान ते अब तक तर पाँव तेरे पैरों की चौकी है। उन वो चौकी पे हमें सिजदा करने के लायक बनाए मसीबा, हम उससे अच्छे ने जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। पर ये तेरा प्यार है कि तूने हमें जिंदा की दुनिया में रखा, जिंदा की दुनिया में रखा है तो कोई ना कोई हमारा मकसद वगैरह, पर अब आज हमें मकसद बता ताकि हम जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा कर सकें। खुदा तुमने कहा जहाँ एक है दो मेरे नाम से इकट्ठे हैं, फिर मैं वहाँ मौजूद हूँ। रब अल्फाज मेरा ईमान मेरा भरोसा मेरे तवक्कल है कि तू यहाँ मौजूद है, दर तक यहाँ पे लग चुका है, तू हमारी फरियादों को सुन रहा है। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदूस बाप जो तेरा प्लान है वो पूरा हो। खुदूस बाप मैं दुआ करती हूँ प्रस्तिश वाले भाइयों के लिए जो ऐ खुदूस मसीह बाप जी इनके गलों को मस्सा करते हैं। खुदूस मसीह बाप जी, ऐ खुदूस मसीह बाप जी मैं दुआ करती हूँ पास्टर साहब के लिए जिन्होंने कलाम सुनाना है। खुदूस मसीह बाप जी वो, ऐ खुदूस बाप जी वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में होकर बोले। ऐ खुदूस मसीह बाप जी, ऐ खुदूस मसीह बाप जी मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आ गए हैं उनको भी बरकत दे, और जितने आ रहे हैं ऐ खुदूस मसीह बाप जी उनको भी बरकत दे। ऐ खुदूस मसीह बाप जी ये मेरी छोटी सी दुआ को सुन रहे हैं। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे भाई दवीद के साथ। खुदा का सताशो भाई के बड़ा खूबसूरत गीत बटके हो करा
राह दिखाती है कल सब खुदा की सदाइश में जाएंगे मिलकर खुदा की प्रशिश करेंगे सबके
अगर खुदावंद की मोहब्बत को रिसीव करना तो हमें वो सब करने की जरूरत है जो वो कह चुका है, जिनके अहकाम वो दे चुका है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, भाई नबी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस पापा स्वामी, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। देख पापा स्वामी, आज एक एक झुकी जान कर तेरे बरकत चाहता हूं। देख पापा स्वामी, जितनी देर हम तेरी वर्शिप करें तो तेरा तख्त लगा रहे खुदा, हर बंदे की बरकत पाए। आज के प्रसिद्ध चर्चिला खुदा, तेरे मौजदात हो खुदा, तू मौजदात करने की कुदरत रखता है खुदा। अपनी पूरी टीम को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। ते बापस माने, जितनी जगहों पे भी तेरी हम तो सना हो रही है खुदा, तू छूना, तू ब्लेस करना खुदा, हर तरह के अभी इसके रुकावट से बचाना, ताकि तेरा नाम इज्जत तो जला पाए खुदा। तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनाउंसिंग एक एक जिंदगी पे चाहता, जितने लोग आ चुके हैं खुदा उनको ब्लेस कर, और जितने रास्ता में खुदा उनके रास्ता में उनकी फालिगा बानी कर, ताकि वो तेरे हजूर आकर तेरे नाम को इज्जत जला दे खुदा। तू छू ले, तू ब्लेस कर दे, ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे जलाले नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज, आइए भाई के साथ मिलकर प्रस्तुति करा दो। दुख सहने से पहले मैं
जो उसके अंदर उसके शागिर्दों में से शागिर्द था पतरस, वो पता कैसा था? वो जब खुदावंद यीशु मसीह को बात करते थे ना, तो वो जल्दी से क्वेश्चन खड़ा कर देता था, या तो क्वेश्चन करता था या टोक देता था। पतरस बड़ा जज्बाती था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरी दफा अपने मरने की बात की तो उसने कहा कि क्यों अपने मरने की बात करता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि इबलीस दूर हो, क्योंकि वो अपनी बातों को पूरा करने वाला खुदा था। बाइबल मुकद्दस में एक जगह लिखा है कि उसने कहा कि ये हैकल गिरा दूंगा और तीन दिन में खड़ी कर दूंगा। वो किस हैकल की बात करता था? वो अपनी हैकल की बात करता था, क्योंकि वो खुद बजाते खुदा पाक मुजस्सम होकर जमीन पर था। वो यहोवा यहां मौजूद था, जो आज हम लोग आखिरी फसा या आखिरी खाना की हम पसंद करते हैं, इसके अंदर जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम जो आखिरी ये जो रस्मात को निभा रहे हैं आज, कि जी आज हम शरारती खाना खा रहे हैं, आज हम मिल बैठ कर खा रहे हैं, आज पांव धोने की रस्मात है, ये एहकामात है खुदावंद के कि हम वैसे करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। उसने रोजा रखने की बात भी की, उसे कहा कि एक दिन वक्त आएगा जब दूल्हा चला जाएगा तो ये भी रोजा रखेंगे। जो बात उसी यीशु ने अपने मुंह से कही वो हम पर लाजम है। कल परसों नहीं देखनी, अभी आज तो वो नहीं करना जो करना। जरूरी है कि हम खुदावंद को अपना आप ईमानदारी से दें, और जब हम अपना आप ईमानदारी से देंगे तो खुदावंद हमारी जिम्मेदारी लेगा, और जिसकी जिम्मेदारी खुदा खुद ले ले मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से बयान है, और देखा देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि खुदा ने मूसा की और इसराइल की जिम्मेदारी ली। बड़ी खूबसूरत बात है, जब मैं सोचता हूं तो खुशी से मेरे हंसी निकल आती है कि यार असी की है यार, कितने ऐसी अजीब जे लोग हैं कि असी सोच ही नहीं सकते कि साड़ी जिम्मेदारी खुदा ने यीशु मसीह ने ली, जिदी जिम्मेदारी खुदा खुद ले लिया, उन्हें की सोचने की जरूरत है मेरे कल की होना। आज और अभी से मसीह को अपनी जिम्मेदारी दो, आज और अभी मसीह को कहो कि वो आपके साथ चले तो वो चलेगा। सिर्फ आपको इस बात का ईमान रखने की जरूरत है कि मसीह खुदा आपके साथ है। अपनी जिम्मेदारियां खुदा को दे दे ताकि खुदा आपकी जिम्मेदारी उठा ले। मत सोचो कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं, या मैं बेऔलाद हूं, या मैं गुर्बत में हूं, किराए के घर पे, या मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, उन्होंने फीसा रुपया नहीं, बल्कि खुद कहो खुदावंद वो मैनू नहीं पता, मैं चला तेरे काम के, आप ही नहीं पढ़ता मैं तो निबड़ता रहा। जिम्मे बच्चा स्कूल जा लगे फीस का नहीं सोचता, सिर्फ स्कूल जा लगा तो माँ प्यो आप ही परेशानियां लगा, फीसा आप ही संभाल लगे, बच्चे को पता भी नहीं होता घर आ तो पहले माँ ने रोटी पहले पकाई होगी। ये जिम्मेदारियां खुदा को देख कर देखो तो खुदा आपको बरकत देगा। इसी तरह मैं अभी ये जिम्मेदारी जो प्रेजाइड करने की, मैं बेटी माहम को सामने बुलाऊंगा कि वो सामने आए, बाकी की जो मीटिंग है उसको लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावन का कि खुदावन ने मुझे मीटिंग प्रेजाइडर करने का मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सिस्टर मैरी को दावत दूंगी, वो आके तो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदावन यीशु मसीह की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस 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 खुदावंद अर्शों के खुदा, खुदावंद ज़मीन आसमान के खालिक मालिक, मालिक दो जहां तू जो है जो था जो आने वाला, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पैरों की चौकी। ऐ खुदावंद अर्शों के खुदा, जिस तरह तुम्हें तू हमें इधर लाए हमारी हिफाजत और निगेबानी कर। ऐ खुदावंद आज हम तेरे घर से मायूस हो के या खाली हाथ ना जाए,
बल्कि खुशी से जाएं और झोलियां भर के जाएं वापस मानी। वापस मानी जब तेरा बंदा बोले और तेरा आसमान खोल के हमें बरकत देना। वापस मानी बल्कि तेरा बंदा नहीं तेरा पाक रूह उसमें होके बोले। वापस मानी जिससे हम एक एक जान नजात पाएगी। वापस मानी ऐ वापस मानी प्रस्तिश करने वालों भाइयों को तेरे पाक रूह में छुपा देती। वापस मानी इनका गाना बजाना इनके सास आवाज़ तुझे पसंद आए। वापस मानी और हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले बन सके। ऐ मसीह बाप तू उस रूह और सच्चाई के वसीला से हमें बरकतों से बरते। वापस मानी तो हमें नजात दे दे। वापस मानी जो हम बन के आए हम बिल्कुल ना वो रहे। वापस मानी हमें हलीमियत फरोतनियत आकर। वापस मानी हम किसी से हसद करने वाले ना बन सके। वापस मानी हमें हर एक की खुशी से खुश हो सके। वापस मानी और हमें कलामे मुकद्दस की सारी आयतों और उनको समझना अता फरमा। वापस मानी ये छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। चलो चलिए I'm
चलो चलते दुआ के लिए आज इकट्ठे वक्त गुजार ले। जब यीशु गतसमनी में बाग में थे तो कहते तो जागते रहो और दुआ करो। क्या करें? जागते रहें और दुआ करें। तो आज मेरे अजीजों हमें भी यही चाहिए कि हम जागते रहें और खुदावन को दुआ करें, खुदावन की हजूरी में आए। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन की हजूरी के महसूस करेंगे और मैं अयान को बोलूंगी दुआ करें। मेरे मामा को बरकत देना, मेरे पापा को बरकत देना, को रामदारी खुदामदारी इधर जितने भी बैठे उन्हें बरकत देना, को रामदारी खुदामदारी आज जो सा कलाम हो हमारी जिंदगियों के लिए हो। यीशु बाप जी, यीशु बाप जी आज का कलाम हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत हो। यीशु बाप जी, यीशु बाप जी आपका तो जो दो और तीन बैठे हुआ मैं मौजूद हूँ। खुदामदारी खुदामदारी मेरी छोटी सी दास सुन और कबूल। आमीन। अब हम इसी तरह मर्शिप में आगे बढ़ेंगे।
जावे माँ बेचारी। देखिए मेरी बात सुने, आजकल जो है ना वो एक मिनट अपने बच्चे को नहीं देते, और उस बेचारी को शुरू से ही पता था तो मेरे बेटे ने जन्म लेना और दुखों के लिए जन्म लेना। हम लोग कुछ लगते नहीं थे, पहले नहीं लगते थे, लेकिन उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीब पे जान दी, हमारे गुनाहों की खातिर उसने एक कम 40 कोड़े खाए। मतलब खुदावंद यीशु का तो कोई इसमें नहीं था ना, यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं ना किया था, उसने हमारे गुनाहों की खातिर किया ना। आजकल हम लोग एक माँ को कहते हैं ना तो अपना बच्चा पकड़ाना, तो वो सौ दफा सोचती है तो इसको हम पकड़ाए या ना पकड़ाए। तो उसने छोटे से बच्चे को हमारी खातिर, मतलब हमारी खातिर हैकल में छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसमें अजमाइशें आती रही। किसके लिए? हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर खुदा ने सलीब पे जान दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। दारी के भाई सोलावा पांव दो।
एक नमूना दिखाया है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन की राह पे चल नहीं सकते हैं, हम खुदावन को अपना खुदा मानते हैं, हम उसके जैसा बनते हैं, तो हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के पाँव धोते वक्त हमारे एक दूसरे के साथ रंजिशें खत्म होती हैं, हमारी एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ता है। क्योंकि देखो, अगर हम उसको खुदावन मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, अगर हमारे खुदावन ने अपने शगिर्दों के पाँव धोए हैं, तो हमारे खुदावन के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं ना, शर्मिंदगी की बात नहीं, तो हमारे लिए भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे पे फर्ज है पाँव धोने, हमारे पे फर्ज है रोजा रखना, और हमारे पे फर्ज है पाँव धोने। हालेलुया। इसी तरह हम भाइयों के साथ वर्शिप करें। ए जन ने किया
लोग अपनी आंखों को झुकाएंगे सर, सब लोग अपनी आंखों को झुकाएंगे सर को, झुकाएंगे आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे। और मैं दिल जान की दावत दूंगी तो आके तो कलाम के लिए दुआ करें। दोस्त कदूस जसबाब, मैं आपका शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो साहब ने मुझे दिया है। जसबाब मैं आपके कलाम के लिए दुआ करता हूँ, इसको आपका कलाम मेरे लिए हो, इसको आपका कलाम हम सबकी जिंदगी है बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। आज हर जिंदगी खुदा के जिंदा कलाम को मान ली, आज अपने खुदा की प्रस्तुति की उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कहो जो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। और अब वक्त है कि हमने अपनी आवाज उसके महिमा को सुनाई, तो अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने और अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए और खुदा के जिंदा कलाम को अपने
तेरे खुदा जन्नत खूब प्रस्तिश की खुदा तूने हमारी रहनुमाई की तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदा। आज खुदा जब तक तेरा जिंदा कलाम सुनने को ओ खुदा आज के कलाम को सिला एक एक जिंदगी बरकत पाए हर तरह की बीमारी हर तरह की परेशानी तेरे पाक कलाम से जाती रहे खुदा तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ खुदा। तेरा बंदा जब तेरा कलाम सुनाए तो खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा तू छूना तू ब्लेस करना खुदा आज का कलाम हमारे जिंदगी में 100 गुना फल लाए तू छू तू ब्लेस कर ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे जला दी नाम से आमेन। खुदावंद के पाक कलाम को और पास्टर साहब को दावत दूंगी आपकी जोरदार तालियों से वो आने वाले जिला कलाम में आप सब के लिए हालेलुया मैं प्लीज गुजारिश करूंगा पीछे जो बातें वगैरह हो रहा है वो नहीं करेंगे अभी हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं तो हम सब एक दफा फिर से दुआ करेंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन हम सब पर अपना पाक फजल करें। प्रेज हालेलुया जिस मकसद के लिए हम यहाँ मौजूद हैं ये जो रोजों के दिनों की ये जो इबादतें हैं ये जो प्रेयर्स हैं ये जो हम प्रस्तुत करके हैं दुआ कर रहे हैं ये जो हम आशरांति खाना शायर पानी इसके अलावा हम लोग पांव धोने की रस्में कर रहे हैं ये हम अपने खुदावन से सीखते हैं कि छोटों को ऐसा प्यार दो कि वो भी आपकी मोहब्बत करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे हालेलुया प्रेज हालेलुया हालेलुया खुदा के प्रस्तार ब्रदर समीर को सामने दावत दूंगा दुआ करेंगे हालेलुया कदूस कदूस आसमानी बाप लश्कर होकर वफादर खुदा ए बाप यीशु के नाम से पास आता अपने सर को झुकाता हूँ ए बाप तेरे बंदा पास्टर पाकत के लिए दुआ करता हूँ कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ सबको ब्लेस करना बहुत बरकत देना जब तेरा बंदा गुलाम करे ए बाप ये ना बोले इसके अंदर होकर तू बोले और आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो और बाप नया कुछ सीखने को मिले बाप बहुत ब्लेस करना बरकत देना यीशु के नाम से आमेन आमेन हम सब तशरीफ करते हैं हालेलुया प्रेज मेरे अजीजो आज का दिन बड़ा खूबसूरत है फर्क सिर्फ है ना कि सीन आज दिन को मनाने के साथ हालेलुया हालेलुया काश भाई को भी चला लो उससे अभी ये जो आज का दिन है ये बड़ा जरूरी है पंखा बंद कर पंखा ये वाला बंद इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की तरफ आए मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि मैं स्कॉलर्स को बुरा नहीं कहता डॉक्ट्रिन को बुरा नहीं कहता मैं वो कहता हूं जो बाइबल कहती है जो बाइबल में कहा जाता है जो बाइबल में रस्मात निभाई जा रही है जो मसीह यसु के साथ और जो उन्होंने किया वो चीजें हम लोग जो है हम आज उन बातों को दोहराते हैं। आखिरी फसा के वक्त खुदा यसु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे एक आज मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत करो जैसे मैंने तुमसे की। मैंने पहले भी बताया था उसकी मोहब्बत में कुर्बानी है बर्दाश्त करना है यहां तक कि उसकी मोहब्बत में दोस्तों से दगा खाना भी है। आज हम लोग शरारती खाना जो है इसको खाने की रस्म भी कर रहे हैं पांव धोने की रस्म भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम पांव धोने की रस्म को करें इससे पहले कि हम शरारती खाना खाएं आए हम यहां तक का जो सफर है उसको बाइबल मुकद्दस से पढ़ते हैं और बाइबल मुकद्दस में योहना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 1 से 10 11 आयत तक सॉरी
उसकी 1 से 9 आयत है। और मैं गुजारिश करूंगा बेटी समिया कैसर से के सामने आए कलाम पढ़ने में रहनुमाई करें। योहना की अंजील 13:1-10 आए 1 से 9 आए पर योहना की अंजील उसका 13:1-9 आए पर योहन्ना की अंजील उसका 13:1 उसकी पहली 9 आया। योहन्ना की अंजील उसका 13:1 उसकी पहली 9 आया। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अब्दीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और वो जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धोले। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र, खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन का जिंदा कलाम हम सब के लिए बहुत सी बातों को आज आयाम भी करता है। एक तो ईद फसा का दिन था, दूसरी बात के पांव धोने की रस्म में जो यहूदा इस्करियोती था उसके भी पांव धोए गए जबकि खुदा यीशु मसीह जानता था कि ये धोखा देगा। आज हम जब हमें पता लग जाए ना कि यार ये बंदा मुझे चीट करेगा, ये मुझे धोखा देगा, यकीन जानो पैर धोने दो दूसरे गल अंदर ना बढ़ा। ऐसे ही हराएगा नहीं, 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 नहीं। हमें पता तू किस लिए आता है, तू धोखा देने के लिए आता है। आज जब हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के पांव धोने की रस्म करते हैं, आज हम यहाँ पर शायर वानी की रस्म करते हैं, शराबी खाने की रस्म करते हैं, तो पहले ये जानने की जरूरत है अपने अंदर क्या आप में से कोई योता स्तर होती तो नहीं। कितने हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे खुदा के साथ चलना है और ईमानदारी के साथ चलना। जब हम अपने अंदर सोचते हैं ना तो दुनिया की तमाम बातें याद आ रही हैं कि मुझे क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। मेरे घर में रुपए पैसे की जरूरत है, खुदा झूठ के बगैर कख नहीं जाना। खुदा अगर मैं कारोबार करता हूं तो मैं मुनाफा कम लू या ज्यादा लू उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। खुदावंद आज मेरे घर खाने के लिए नहीं है, हूं मैं जितों मर्जी ले आवा मैं पूरा करना ही करना। खुदावंद मुझे धोखे से मतलब नहीं, मुझे ईमानदारी से मतलब नहीं, बच्चों का पेट पालना। अगर मैं अपने मालिक के घर जाऊं जिसके घर से चोरी की होगी तो मेरा मालिक मुझे अपने घर में आने ना देगा बल्कि वो मुझे पकड़वाएगा और पुलिस के हवाला करेगा क्योंकि वो जानता है कि मैंने क्या की, चोरी की। लेकिन यहां पर देखें
के लिखा है, और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा अस्कर यूती, अस्कर यहूदी नहीं, अस्कर यूती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़वाए, कि उसे पकड़वाए तो शाम का खाना खाते वक्त यसु ने ये जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा के पास जाता हूं, कि वो जान चुके थे टुडे इज माय लास्ट टाइम विद माय फ्रेंड्स माय स्टूडेंट्स, वो जान चुके थे कि आज का मेरा दिन आखिरी दिन है मेरे शागिर्दों के साथ, मेरे लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। अगर मुझे आज पता लग जाए कि मैं इस मेरे मरने पर आसारी होती बार अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इमेजिन करके देखे, थोड़ा सा चंद लम्हात के लिए, अगर आपका कोई अजीज सो गया है दुनिया में, जब आपको सुबह पता लगा कि वो सो गया मर गया, थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए क्या उसको दर्द हुआ होगा। अगर वो बीमार है, क्योंकि मैं ये चीज इमेजिन इस तरह करता हूं कि मेरे बड़े भाई के लिए, मेरे वालिद साहब के लिए, मेरी वालदा के लिए, कि जब मेरी वालदा के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर्स ने उनको दवाई दी और उन्होंने कहा कि मां मेरी ने सोने तो पहले क्या कि आज मैं बड़े सुकून ना सोवांगी क्योंकि आज दर्द नहीं हो रहा, वो दिन ही सुकून का होता, उनको नहीं पता था कि वो इस दुनिया को छोड़ने वाले। जब मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, कंडीशन डे बाई डे खराब होती गई, खराब होती गई। क्या हुआ कि जिस दिन उनकी डेथ होनी थी उस दिन उनको होश ही नहीं था, कब सांस कम पड़े और कब खत्म होगा। जब मेरा बड़ा भाई बीमार हुआ, हम मुझे कई बार कॉल्स आई, एक दफा तो ऐसा हुआ कि जिम्मे भाई मिशन वाले कई जाने जाने या शायद सोच समझ कर ये बात कहते हैं कि जी खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मां तो इनकार कर दिया सी। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने कभी अपनी मां से इनकार नहीं किया, ये बात अपने जहनों में रख ले, क्योंकि अगर उसने इनकार किया तो बाइबल मत कहती कि मरियम जो यीशु की मां थी। खुदावन यीशु मसीह ने जब कलाम शेयर कर रहे थे तब उनको आके किसी ने कहा कि तेरी मां ही, उन्होंने सब तो ज्यादा केड़ी चीज खास समझी कलाम शेयर करने की, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब तो पहले आए ने जेड़े खुदा का कलाम सुनते हैं। मेरे साथ जब ये वाकया हुआ तब मेरे ऊपर ये बात आया हुई कि ये सच है कि खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले खुदा का काम जरूरी था। मेरे बड़े भाई के लिए मुझे कॉल आई मेरी भाभी की, उसने कहा जानी ना गल करा दे क्योंकि कोई पता नहीं तेरे भाव का रवे ना रवे। तब मैं एल्डर सैम के घर पर कलाम शेयर कर रहा था तो मेरी मिसिज ने कहा कि वो कलाम शेयर कर रहे हैं, फोन नहीं फाड़ना, बल्कि हो सकता है फोन कट दे, हो सकता है फोन ही छोड़ दे क्योंकि उस टाइम पे वो कलाम शेयर कर रहे थे। तो क्या मैंने अपने भाई को छोड़ दिया? मैंने उस वक्त जिस चीज को खास समझा वो खुदा का कलाम था। इसी वक्त इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब कलाम शेयर करते थे तब वो रिश्ते नहीं देखते थे, तब वो सिर्फ खुदा के कामों को देखते। उन्होंने ये सब बड़े काम इसलिए किए ताकि हम लोग सीख सके, हमने उसकी बात ही पलट के रख दी है। यहां पर वो जान चुका है, ये बहुत 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 बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि अगर तुम जान चुके हो कि ये तुम्हारा दुश्मन है तो भी उससे मोहब्बत ही रखो, क्योंकि यहां वो जान चुका है। अगर आप इसी तरह बाकी के चैप्टर्स में देखते हैं, बाकी की बुक्स में देखते हैं तो वहां पर भी ये वाजिया तौर पर है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो आज मेरे साथ नवाला प्याले में डुबो के खाएगा ना, ये धोखा देगा। तो उससे पहले तो रस्मात हो चुकी है ना, योहन्ना बता रहा है उससे पहले पांव धोने की रस्म हो चुकी है और खुदा यीशु मसीह ने उसका पांव भी धो दिया, उसको भी खुदावंद ने मोहब्बत ही की जिसने धोखा दिया।
लेकिन आज हम ये सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, क्या हम योग्यता हस्तर योगी? आज हम सब अपने अपने घर से अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। हर इंसान अपनी 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 स्टैंडर्ड, अपने अपने वैल्यू, अपनी अपनी पंजाबी चाहेंगे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो जिसका दिल किया। मैं नहीं जानता क्या क्या किस किस के घर से आया, लेकिन जो भी आया वो किस भी आया, कि हम आज शराबती खाना खाएं, मिलकर खाएं। और जब हम मिलकर खाते हैं तो हम खुदा की उस रस्म को पूरा करते हैं। हमारी रस्मात दिखावे की ना हो, जिस जिस की रस्म दिखावे की है ना, पावे करो ना पका के ले आए कोई फर्क नहीं पे, क्योंकि उन्होंने भी योग्यता स्तर युवतियों को सोचा कि चलता पिया चलन दे। रस्मी तौर पर खुदा के साथ मत जुड़ो, क्योंकि खुदा को रस्में निभाने वाले फरीसी और फकीर पसंद नहीं थे। खुदा कहता है कि अगर रस्म निभानी है तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, और अपने दुश्मन के भी पांव धो लो। कहता जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आज आपके दिलों में किसी के लिए कुदूरत नफरत है किसी भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बहन भाई जो आपकी सुनता नहीं है, जैसे मेरी छोटी बहन कभी मेरी सुनती नहीं, ठीक है, सारे कहेंगे मेरी बहन को कि पास्टर साहब को पास्टर साहब क्या कहा, वो छोटी अभी शुरू तो मेरा नाम लेता है तो वो नहीं टालती, फिर भी क्या देगी ना ही लेगी, क्या डांट खाएगी लेकिन नाम ही लेगी। क्या कि हमारे अंदर फितरतन तौर पर कुछ चीजें नहीं बदल सकती, वो उनके बहन भाई सबसे पहले है जिनको समझाना बहुत मुश्किल है, और झगड़े भी सबसे ज्यादा बहन भाइयों के हैं, झगड़े भी सबसे ज्यादा सगे रिश्तों के हैं। सस दूदा ननार पर जाएगा होंगे ना घर, कोई नहीं क्या कुकवे हाँ नहीं है सारे तो पता नहीं, क्योंकि दुनिया ही इंजे चलती पई है। हम जब तक किसी से लड़े ना हमें मजा ही नहीं आता, क्या सी हमारी लाइफ है। अगर मां डांट दे तो बेटी कहती है कोई गल नहीं मेरी मां है, सस डांट दे तो कहती मैं ते कोल घर काम करना। जिंदगी बड़ी पॉजिटिव करके चलो खुदा के साथ, खुदा आपको बरकतें दे। मां और बेटी का रिश्ता बहुत अजीम है, इसी तरह बेटे और मां का भी अजीम है। जो लोग कहते हैं खुदा यीशु मसीह ने अपनी मां को मां नहीं कहा, तो जो सलीब पर चढ़े जिम्मेदारी कल बड़े लोग करते पे ना कि सानू कलमा दवो, असी केड़ा कलमा करना है, असी केड़ा कलमा करना, उहदे च कलमा और भी है, देख तेरा बेटा देख तेरी मां। कई चर्चा कलमा नहीं होया, चर्च ही नहीं होया, समझो चर्च ही नहीं आया, पादरी ने कलमे नहीं कराए, चर्च ही नहीं आया। ये रस्मात हमें कैथलिक से मिलती है बेसिकली, मैं कैथलिक्स को बुरा नहीं कहता, लेकिन बाइबल की अगर कलमात की बात की जाए पहले उसको अपनी जिंदगी में लागू करो, पढ़ पढ़ के दुनिया नु ना बखाओ कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, साड़ी सारी ईमानदारी कलमिया की रुक गई है, मैनू कड़ा कलमा मिलेगा, मैनू कड़ा कलमा मिलेगा, भाई जी दस देना, भाई साहब मुझे 500 कलमा दे दे, भाई साहब मुझे तीसरा कलमा दे दे, मुझे दूसरा दे दे। साड़ी ते भी बेटी कलमे की तैयारी कर रही थी, नानके जाके बह गई है, भेजे है साड़ी फैमिली ने, कोई गल नहीं चली है, उसकी खिंचाई नहीं की। हमें कलमात से ज्यादा अमल की जरूरत है। वो यहां पर कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से वैसी रखो, करके देखो एक दूसरे का, तुम पता है कि तुम्हारा मुखालफ है फिर भी मानना वा, मैं उदो मानना जो तुम अपने मुखालफ लिए भुख च रोटी लैके जाओ। छोटे होंदे ना इस्लामिया की किताब च स्टोरी पढ़ी गई थी, हजूर पाक के उत्ते एक औरत कूड़ा सुट, वो एक दिन नहीं सुटिया तो उन्होंने बुआ खड़काया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सुटिया, वो चले गए अगे गए तो बुढ़ी बीमार से उन्होंने धमाकदारी कर दी, दुश्मनी खत्म हो गई, जड़ी बगैर वजह दी जिहदा तालुक नहीं सी।
इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखे, फरीसी और फकीरों के बारे में, वो खुदावंद से जो क्वेश्चंस करते थे वो सिर्फ और सिर्फ उसको दबाने के लिए, दुनिया के आगे पस्त करने के लिए और दुनिया की मुखालफत के लिए कि दुनिया इससे मुखालफत करे। कहना दस क्या सिक्का किनो देना है, सिक्का उठा के कहना जरा कैसर का कैसर दे दो, जरा मसीह है मसीह दे दो। उन्होंने एक औरत को ऐन गुनाह के वक्त पर पकड़ के खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया कि अथे यह कहेगा कि रहन दो, या जरूर ऐसी गल करेगा जड़ी तुरेत और अंजील के खिलाफ होएगी, और की होएगा क्या खुदा को जड़ी अवाम है उन्होंने तो जरूर बेइज्जत होएगा और इधर दिमाग सही होएगा फिर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उठे ली कलाम दे नाल ही क्या ना क्या जिन्हें गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारा। हमें मोहब्बत की मिसालों पर मिसालें मिलती हैं। वो एक गीत गाते थे नबी, वो हौज हिले ना हिले, क्या वो नहीं हौज का पानी चाहे हिले ना हिले, बड़ा खूबसूरत गीत है कि एक बेचारा पास बैठा है वो पानी हिलता है तो जान जोगा तो होता नहीं, वो पानी हिल जाता शफा होती है। लेकिन यीशु को इन चीजों की परवाह नहीं है, वो इख्तियार का मालिक था जो आसमान से आया और हर चीज का इख्तियार हाथ में लेकर घूमता था। उन्हें क्या हिलता नहीं है, तू तो उठ रखा, उठ खड़ा हो और दुनिया देखती रहेगी। ये वो है जो ये जानता है कि मेरे साथ जो बैठा है ना ये आज मुझे पकड़वाएगा, मगर उससे कैसी मोहब्बत करता है फिर उसके पांव धो देगा। आज हम जानते हुए कि हमें पता हो कि मेरे साथ आज जो कर रहा है, बहुत सी मिनिस्ट्रीज में ये हो रहा है, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहा, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं हैरान हूं बहुत सी मिनिस्ट्रीज में क्या करते हैं लोग, भैन ने भरा ने मोबाइल से फोटो खिंची गोरा के, ओ भाई गोरा कोई नहीं दे सकता जिंदर खुदा ना चाहे, खुदा को आप पर यकीन होगा तो वो आपको देगा। अब आपके हाथ में खुदा का यकीन तोड़ दो या बना दो, फिर यकीन बनाने से कभी अरसे लग जाते। कई बार दाऊद को नाच नाच के मनाना पड़ता है पर हथों जड़ी बरकत निकल जाए वो दोबारा नहीं आती। दाऊद की बरकत सुलेमान को मिली हैकल की, और खुदा ने कहा दोनों बाप बेटों को खुदा ने बरकत दी और दोनों ने अपनी मर्जी की। फर्क क्या है कि खुदा जिस पर यकीन करे वो उस यकीन को तोड़ता है या रखता है, लेकिन खुदा फिर भी मोहब्बत करे। कैसी गल यहां पर, क्या जो यहूदा इस्करियोती था क्या ये खुदा को नहीं जानता था? वो जानता था, ये दिलों के भेद को जानता है, लेकिन कितने परफेक्ट और कितने यकीन से उसके साथ बैठा हुआ है कि देखी जाएगी, कि देखी जाएगी। इन्हों केड़ा पता लग रहा है, लेकिन जो कहते हैं लेकिन उसके पांव तो हो रहे हैं। आज जब हम यहां पर पांव धोने की रस्म में शामिल हो, बेसिक ये पांव धोने की रस्म है बड़ों की छोटों के साथ। मैंने आज बड़ी जगह पर टिकटॉक लगेंगे, देखिएगा टिकटॉक स्नैक वीडियो बनेंगे, पुत्र मां के पैर धो रहे थे, ओ भाई मां पुत्र दे धो रहे थे, क्योंकि बड़े ने छोटे दे धोने ने, छोटे ने बड़े दे नहीं धोने, उस्ताद ने शागिर्द दे पांव धोने ने, उस्ताद ने शागिर्द दे धोने ने, शागिर्द ने उस्ताद दे नहीं धोने। ये इस तरह रस्म है। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक टिकटॉक मैंने देखा और बड़ा टिकटॉक देख करके लाया, ते वो दुध दे विच चार पांच फुल दे पत्ते भी पाए ते मां दे पैर धोण दे, दिल ते मेरा कीता मैं थले लिखा भरावा रस्म उल्टी ना करी जा, खुदा दा ना ही रस्म नु सिद्धा कर। यकीन जाने हमने अपनी रस्में बना ली हुई है। अभी कल ही मुझे छोटा भाई कैसर एक टिकटॉक दिखा रहा, आज मैं उस हम अनकरीब उस पर भी हम वीडियो करेंगे अपने चैनल के लिए। बंदा कहता है जय मसीह की, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, काली माता का चढ़ावा शुरू हो गया।
मैं क्या यार कमाल ही हो गई है। मैं गिल साहब का पुत्र हाँ, मैं गिल साहब का पुत्र हाँ, तो भट्टी मेरा प्यो है किड्डी जी सी गल लगे ते दुनिया थले कमेंट करती पई है यसू तेरे कले दा है। यसू गलत इंसान दा नहीं है, मसीह गलत इंसान का मसीह नहीं है। वो कहता है तौबा कर, लेकिन वो तौबा करने से पहले आपका नहीं है। तब तक आपके ऊपर खुदा की नहीं अबलीस की हुकूमत है, और जिस पर अबलीस की हुकूमत है वो मसीह को मसीह कहकर सान कर ना कह दू। फिर यहां पर आगे चलते हैं, लिखा है वो शमाउन पत्रस तक पहुंचा, उसने उससे कहा अए खुदावंद क्या तू मेरे पांव भी धोता है। इट्स मीन टू दैट के खुदावंद यूं 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 चला। अब किस तक आया? पत्रस तक। अब तू मेरे पांव, इसका मतलब उससे पहले वो सबके पांव या यूतास के यूती के तोमा के बाकियों के भी पांव धो चुका था। कहता अब तू मेरे पांव भी धोएगा। कहता अब से लेके अब तक ऐसा नहीं होएगा। कहता जे इंज नहीं होएगा तो तू मेरे नाल ही नहीं, क्योंकि खुदा बड़ा बनने के लिए नहीं आया था। अगर खुदा यीशु मसीह बड़ा बनने के लिए आता ना तो ये बात जान रखे उसके लिए सोने के बिस्तर होते थे। वो पैदा होना तो खुरली से ना होना। कहता मेरा नहीं, मैं नहीं आया। सकून पाए हुए लोगों ने मैं नहीं आया, मैं उन्होंने आए तो पहले दर्दरा दबे हुए कहता जी आए बोझ से थके मांदे लोग। उसको क्या जरूरत है हम जैसे थके मांदे लोगों के पास आने की, वो इसलिए आता है। और मैं फिर से कहूंगा, हमेशा कहूंगा, कभी ये मत कहना कि खुदावंद तू तो रूड़ी दिन बारह साल बार सुनना साढ़े ही सुन लें। ये क्या बात है, तुसी खुदा दे मकदस नूं रूड़ी क्या दिता है। बल्कि खुदा नूं कहो क्या है, खुदावंद ये बदन तेरा है, इसकी भूख भी पूरी कर, इसको ढकने के लिए अच्छे कपड़े दे, क्योंकि ये बदन तेरा है। मैं तेरे अहकामात पर चलता है या चलती हूं, अब इसकी जिम्मेदारी उठा क्योंकि मैं थक गया, मेरे चनी बिलिटी नहीं। खुदावंद है बदन तेरा है, मकदस तेरा है। इस गिरजाघर में किसी को बोले ना भी कुछ गम खा रहा हूं, नहीं चल कोई गाली कलीम के चुपका दे बाहर चला ले, भाई साहब की करते हो खुदा का कहा है, सिर्फ एक कलीम की केयर करने पे इस पूरे बदन की केयर नहीं कर रहे जो खुदा का मकदस है। वो कहता आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तू मेरे लिए आराम का कहा बनाए। यहां पर पतरस जोश से आ गया है, उन्हें वे कीर्त कर दे उस्ताद जी मेरे पैर तो लगे जान दे बाकी दे बोले नहीं मैं क्यों तू आवा, मैं तुहाडा नौकर, मैं तुहाडा शागिर्द, मैं तुहाडा स्टूडेंट, मैं क्यों तू अपने पैर तो आवा। हो सकता है कि मैं तुहाडे को पैर तो आवा, लेकिन अजीब सी बात यह है कि यार मैं जब भी ये आयत देखता हूं वो यहां पर कहता है शमौन पतरस के पास, सॉरी यीशु ने उससे जवाब दिया अगर तू मुझे ना धोने दे तो मेरे साथ शामिल हो, तो अगर तू मेरे साथ मेरी इस रस्म में शामिल हो तो मुझे काटता है टोकता है तो इसका मतलब है कि तू मेरे साथ शामिल हो। मतलब कि अगर आज खुदावंद का शुक्र है भाई समीर, भाई नवीन, भाई कैसर, खुदावंद इनको ढेरों बरकत दे, ये मेरे साथ पिछले 5-6 साल से है। समीर जो के मेरे तो अग्गिया भी है, क्योंकि ना यहाँ पर कई मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं मेरी कलीसिया के भाई साहब की इबादत है दौरान डांट देते हैं, तो अगर डांट का कोई और भी मफहूम पूछना है तो मेरी टीम मेंबर से पूछ लें। मैं तो सिर्फ इबादत में इतना कहता हूँ कि बच्चे आराम ना बैठ जा फिर ना करो, सिर्फ इतना। लेकिन उसके बाद जो जंग होती है मेरी टीम जानती है, हमारी टीम जानती है, जिस तरह भाई नवीन जानती है। भाई नवीन को कई बार डांट पड़ती थी, रोक पड़ते कहते रहे हैं तुम शुरू ही हो जाते हो, फिर मेरी बीवी मुझे डांटती है तुम दिन डालते नहीं हो गुस्से से, मारता नहीं यार, मतलब छोटा है ना तो इज्जत ही कर दिया बेचारे को और कुछ नहीं बाल पता रो पहले, फिर बाद में सॉरी करके ना चाहे यार मैं ज्यादा गुस्से कर दिया।
कासम के साथ कई बार हुआ डांट पड़ी पड़ी, भाई सुनील को बड़ी डांट पड़ी। डांट का मतलब किसी का नुकसान करना नहीं है, डांट का मतलब है किसी की तरबियत करना। जिस तरह भी जो हमारे बच्चे हैं वो आगे बैठ कर खेल रहे हैं और उनको लगे रहने दबा के वो कैसी मजे की बात है। तो ये जो चीजें है ना हमें सीखने की जरूरत है। यहां पर जो देखा जाए तो खुदावन यीशु मसीह ने एक तरह पतरस वो शागिर्द था जो खुदावन यीशु मसीह के साथ जज्बाती था और वो बार बार पर खुदावन यीशु मसीह के साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स करता था और बड़े जीव करता था। खुदावन यीशु मसीह ने तीसरी दफा क्या के मैं मरांगा फिर जी उठाऊंगा, उन्होंने कहा की कर दियो हर जगह में मरण जी उठाने की गल कर दियो। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा प्लीज दूर हो, कि तू वड्डी भेंदी है गल्लां नूं बोलण तों मना कर। और वही पतरस खुदावन के साथ भी है और वही पतरस को खुदावन कहता है कि तू आज मछलियां पकड़ता कल को आदम भी होगा। वही पतरस है जो खुदावन के प्यार में जोश में आकर कान ला देता है, तो वही पतरस है जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी तलवार अपनी म्यान में। इस पर भी मैं बात करूंगा, ये म्यान वाली बात पर भी गौर कीजिए कि अपनी तलवार अपनी म्यान में रख। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तन चपेड़ मारे तो चपेड़ा खाने दो, उन्हें क्या वक्त आन दे हाले मेरा वक्त है उन्होंने पकड़न दे। और अगर तलवार म्यान च रख जो हमने तुम पता लग जाए ना कि छोटे मुंडे के हाथ पिस्तौल है पिस्तौल से उन्हें गोली मार दी किसी को, तुम उन्होंने कहो गए मैगजीन कट दे या की कहो गए कि पिस्तौल जी कवर च पाला, नहीं तुम खो ही लैनी है कि चला ना दबे। लेकिन यहां पर जो है वो म्यान तलवार अपनी म्यान में रख। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस के पांव धोने की बात करते हैं तो वो कहता है नहीं तुसी मेरे उस्ताद हो तुसी मेरे पैर को धोना, उन्होंने कहा जब तेरे नहीं ना धोने तुझे कह तो तू मेरे शामिल है। अगर घरों में अगर आप लोगों ने रस्मात करनी है तो फिर बड़े छोटे भी है छोटे बड़े भी नहीं। देखिएगा आप टिकटॉक पर जरूर आप सभी देखते हैं, मेरे भी बड़े टिकटॉक आते हैं 10,000 मेरे टिकटॉक आते हैं, कहते मेरे स्नैक वीडियो भी आते हैं, मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी आते हैं बड़े। लेकिन आप जब सर्कल कर रहे होंगे ना तो आपको बहुत से ऐसे लोगों के टिकटॉक मिलेंगे जो बड़े ने रस्म करनी है वो छोटा करना होगा। रस्म को उल्टा मत करें प्लीज, हम इस तरह गलत कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आसमानी बाप पांव धो रहे हैं जो कुल कायनात का इख्तियार लेके आया, जिसने जमीन पर रहते हुए उन तमाम बातों को नविश्तों को उन कीमतों को वाजिया किया जिन बातों को हम सुनते आ रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा है पिछले दिनों आपके साथ मैंने खजूरियों के त्योहार वाले दिन कलाम शेयर किया कि उसके बारे में पहले ही बयान था और वो यहोवा जाहिर करता है कि मैं यहोवा हूं। वो ऐसा खुदा है जिसने मट्टी को गीला किया आंख पर लगाया और डेला बन गया, और खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया। वो हाथ लगाता तो शायद बहुत कुछ होता कि लेटी है चर्च घड़ी देखो ना देखो जिन्हें अपने बंदे रोटी खुआ की टेंशन पहले दस। अच्छा गल है वे कि असी सारे खुदा के नाल जो चल रहे हैं ना तो जी रसूमात कलाम के मुताबिक नहीं करिए क्योंकि खुदा के नाल शामिल होने लई मसीह यीशु नाल शामिल होने लई जिस तरह रस्म है वे असी उस तरह। मैं गुजारिश करूंगा भाई रवीश से कि प्लीज पानी वाली वो जो बाल्टी है टावल पानी वाली बाल्टी और टब ले लेगा क्योंकि पाँव धोने वाली जो रस्म है वो करेंगे। उसके बाद हम जो है वो थोड़ी सी प्रस्तिश होगी, प्रस्तिश के बाद जो आखिरी फसा की खास जो इबादत बेसिकली काउंट की जाती है। मुझे पता है सारे सोच रहे रोटी रहता है मेरे दिन आ रही थी, नहीं हम खाने की जो है वो लास्ट में खाना है उसके लिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे। हम छोटी सी पाँव धोने की रस्म के बाद छोटी सी जो है वो प्रस्तिश होगी, प्रस्तिश के बाद हम लोग जो है शायर वाणी की इबादत करेंगे और फिर हम लोग सब मिलकर शराब की खाने की इबादत में शामिल होंगे। मैं फिर से कहूँगा याद रख लो खान नवाला एक दूजे ने डबोन तो पहले अगर दिल च कोई नफरत कोई कदूरत जे
जो हमने ही खत्म कर देना ऐ ना हो कि साडे अंदर लिखिया कि अबलीस। और जब अबलीस शमाउन के बेटा योदर अस्कर योती में योदी के दिल में डाल चुका था और खाना खान तो पहले अपने दिल की नफरत नु खत्म करो ताकि खुदा तुहानु बरकत दे। और खुदा बरकत पर बरकत देता है। योतास्कर युति नहीं बनना, हमें क्या बनना है? मैं सोचता हूं हमें यहां पर पत्रस बनने की जरूरत है, जज्बाती हो जाइए सुनिए जोश होश तो बढ़िया नहीं खोदा सी पर जोश जरूर रहता है, हर टाइम जोश। अमाल की किताब में देखा जाए तो वहां पर लिखा है पत्रस रहते जाके तू ही की सोच रहे हो इना दारू भी की ओए हाले ते देनी की चाजना चढ़िया हाले ते ਦੇਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਂ ਹੋ ਰਹਾ ਔਰ ਬਤਾਤਾ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਾਸ਼ਕਾ ਹਮ ਮਨਾਤੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਮ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸੂਲੋਂ ਪਰ ਜੋਤੀ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਤਰੀ ਥੀ ਉਸਕੋ ਸਹੀ ਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਂਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਈਦ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਸ਼ਪਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਉਹ ਬੜੀ ਈਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ वो भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर तक मददगार मिल जाए एक यतीम को प्यो मिल जाए तो वो छोटी गल है वो भी वो प्यो जड़ा नु सुधार आ दे वो भी वो प्यो जड़ा बरकत वाला हो गया वो भी वो प्यो जड़ा फजल वाला हो। सो मेरे अजीज हो अपने आप को याद रखिए कि इन ये जो शराबी खाने की इबादत है इसको याद रखिए कि जब भी कभी शराबी खाने की इबादत में आपको नजर आ रहा है कि वो सामने बंदा बैठा है मैं जहर लगता है तो दिल की नफरत खत्म करके उसके पास चले जाओ इससे पहले कि अबलीस आपके अंदर समा जाए, इससे पहले कि अबलीस आपको जीरो कर दे, इससे पहले कि अबलीस आपकी बरकतों को छीन ले। आप अपनी जो बरकत है उसको रिसीव कर लो, आप खुद उसके पास खाना ले जाओ, सही कह रहे हैं खुद ले जाओ। अगर वो आज घर में ना अपने कहीं तो उसे घर चलो, कोई यार शराब की खाना सी तो मैं चाहना था तेरे नशे। बाइबल में एक जगह पर लिखा है खुदा को 6 चीजों से नफरत है बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। कराहियत का मतलब है जिन्हों देख लेना तो कहना जी हमने लभ गया ना तेरी ऐसी जिंदगी से। उनमें से एक चीज है गरूर। जब आप में गरूर आएगा तो आप खुदा की बरकत को गवा बैठोगे। मैं रवि भाई सॉरी प्लीज पानी जो है ना मुझे बाल्टी पे ला दीजिएगा ताकि टब में पाँव रख के पाँव धो सकूं। तो टब में अगर पानी होगा तो पाँव नहीं धो सकूं। मेरे जीजो खुदावंद की ये जो रस्म है ये आज बहुत से गिरजाघरों में बहनें भी कर रही हैं, इसको करने में कोई वो नहीं है। मैं फिर कहूंगा कराची मामा ने पैर तो धोने दिया मामा तियां दे तो प्यो ने पैर तो धोने दिया प्यो पुत्रा दे धोएगा क्योंकि इत्थे ये रस्म वड्डा कर रहा छोटा नहीं कर रहा। आसमानी बाप शागिर्दों के पांव धो रहा और बाप वो हो जो तमाम इख्तियारात रखता है। सो चीजों को उलट मत कर। यहां पर यूहन्ना कहता है तो पत्रस कहता है कि मेरे पैर ना तो हो तो खुदा ये सुन सी कहते कि तुम मेरा शामिल नहीं हो सकता। सो ये चीज अपने जहनों में डिजाइन करें पहले सच कह रहा हूं डिजाइन करके देखें कि तुम उलट काम कर रहे हो तो बरकत पाओगे
अच्छा मैं आप सबसे पूछता हूँ, दो और दो क्या होते हैं? चार। क्या होते हैं? चार। बेटा 22 होते हैं। देखें मैंने ये नहीं कहा दो जमा दो, मैंने कहा दो और दो कितने होते हैं? 22। इसी तरह बाइबल में भी दो जमा दो नहीं है, वो लिखे है कि फिर यीशु ने शागिर्दों के पांव धोए, शागिर्दों ने यीशु के पांव नहीं धोए। ते गिनती अगे पिछे करन नाल असीं जवाब नहीं दे सकते, जवाब वही है जो सही है। और यहां पर शागिर्दों ने यीशु के पांव धोए नहीं है, यीशु ने शागिर्दों के धोए। और यहां पर यह भी जरूरी नहीं कि शागिर्द वो दोस्त भी भड़ा था। मैं एक और बात कहूं, ये जो युतास्कर युती था ना, ये काबिल था, पढ़ा लिखा था, अकाउंट्स को जानता था। हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि वो एक अकाउंट्स को जानता था, जिस तरह आज बी कॉम किया हुआ, आई कॉम, हाँ खजांची, शॉर्टकट में वो खजांची था, और पैसे रुपए पैसे की बातों को बड़ा क्लियर जानता था। तो युतास्कर युती की सोच पता किसी यीशु मसीह बादशाह बनेगा, यीशु मसीह बादशाह बनेगा और मैं की बनांगा? खजांची पैसे वाला, हिसाब किताब रखांगा, अद्धे मेरे अद्धे पादरी दे, अद्धे मेरे अद्धे यीशु दे। और क्या हुआ कि उसके जेहन से पैसा नहीं जाता, पैसा ना जाने की वजह से अबलीस उस पर हावी हुआ। जैसे बाइबल कहती है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा सोच और ध्यान है। खुदावन का फजल है, मुझे खुशी हो रही है। और मैं सोच रहा था इससे पहले कि मैं डांट कर कोई बात बोलूं, लेकिन शुक्र है खुदा का, बेटी विक्टोरिया ने अपना जो है, हम सब इसके लिए भी आज दुआ को होंगे, इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है खुदावन के फजल से। तो मैं सोच रहा था क्या जानती है मैंने, सही कह रहा हूं, मैं सोच रहा था क्या दोवे जी आते नहीं के नहीं। फिर मैं सोच रहा था कि शकील जो है वो 4:30 बजे तक ड्यूटी से आता है, तो ये शायद इतने बजे तक आ जाए। तो इंसान है ना, मैं भी सोच सकता कि प्यो नहीं सोचता अपने पुत्र वालों कि घर बढ़िया कि नहीं आता, तो पादरी भी सोच लगा कलीसिया च कि नहीं आया, तो मैं हाले भी दस सकता कौन कौन नहीं आया, कौन कौन हाले का जी सोच रहा होना क्या कि हाले भी जाने। खुदावंत के हजूर आने ना तो प्लान कर लो कि मुझे जाना है और करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदावंत एक एक रूह जान तक जाना चाहते हैं। आज का दिन थोड़ा लंबा है दुआ का, ये आप सब जानते हो, क्योंकि और एक और बात बता दूं, आप लोगों ने तो दुआ करके अपने अपने घर जाना है ना, आज हमने रात 3-4 बजे तक दुआ करी, 3-4 बजे तक। हाँ ये दुआ सुबह तक है, लेकिन बाइबल आज के दिन के लिए कहती है जागते रहो और दुआ करते रहो, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना आए। आज का दिन वो है जब जब जो बुढ़ी कहेगी मैं बंदे को घर रोटी लेने जाके फिर मिट बाकड़ी हुई। आज का दिन वो है जब हमें अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पर खुदा के साथ जोड़ना है। कभी सोचा है शब रात की रात तमाम मुस्लिम बहन भाई नमाज करते, असी आज की रात भी नहीं करांगे, जिवें मर्जी लिखा लो आज की रात भी शायद हो सकता समीर भाई, नवीद भाई, मेरी फैमिली असी बह के दुआ कर दी। ये इतनी स्ट्रिक्ट रात है जिस रात के लिए खुदा कहता है कि आजमाइश में ना डाले जाओ, और आजमाइश वो कि खुदा यीशु मसीह यहां पर वो कहता है, गौर कीजिए यहां लिखा है यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी है और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, क्या आज भी रात जे ते कल दा नहीं जे पता की होना है मेरे नाल। और खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ करने जाते हैं गतसमनी में तो कहते हैं खुदावंद अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि लाइफ
बहुत प्यारी चीज है। मसीह होना उससे भी प्यार है, मसीह होना उससे भी प्यारा है, लेकिन मसीह में रहना वो कमाल की बात है। और जो मसीह में रहता है उसे कमी ना होगी, क्योंकि बाइबल का एक बड़ा जबूर में से एक जबूर बड़ा अच्छा गाते हैं, पहले ढूंढो, अरे सॉरी ये गीत है ना, गीत है ना, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाह, ये जबूर है, गीत है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाह तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। जब हम उसकी बादशाही को ढूंढ लेंगे ना, तो बरकत ऐसी हमारे पास होगी ना यार। मैं जो सोच रहा हूं ना, तो मैं कह रहा खुदावंद अगर कोई कमी रहेगी परस्तिश में बता दे, मैं देखे जीरो हूं, यकीन जाने जा। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूं ना, तो मैं खुदा नहीं हम नीचे पांव की रस्म धोएंगे, ये जगह खुदा की है, ये हमारी है। जो हम लोग खुदा के हैं, क्या हम प्रैक्टिकल तौर पर खुदा के हैं, ये जानने की जरूरत है। जो हम मसीह के साथ चलते हैं, क्या मसीह के साथ प्रैक्टिकल चलते हैं, जो हम मसीह की प्रस्तुति करते हैं, क्या वो हम प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सो मेरे अजीज हो, हम अभी जो पांव धोने की रस्म है उसको निभाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट ही होता है भाई, कैसे बड़े बड़े इंग्लिश का लफ्ज कैसे भाई, सही कहा, हाँ जी अटेम्प्ट ही होता है, अटेम्प्ट, हाँ जी अटेम्प्ट, सॉरी मैं बड़े पैड़े लफ्ज कई बार बोलना, तो कैसे भाई कहेंगे, मैं अक्वेरियम को पता नहीं क्या बोलता था, तो कैसे भाई कहते थे भाई साहब ना करिया करो इंग्लिश की बहुत ज्यादा हालत खराब। तो अभी यह है कि हम जो आज ये रस्म है, मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि जैसे जैसे वन बाय वन मैं सबके अपनी टीम के यहाँ पर जो हमारे चर्च मेंबरान हैं, चर्च मेंबरान में ये नहीं है कि एकदम वास बोलूं, ये नहीं है कि शकील भाई को बुलाऊं कि आए पांव खुलवाए तो कि मैं नहीं, या भाई दाऊद को बोलूं, या भाई कैसर से बोलूं, विक्की भाई से बोलूं, या कैवन, आप सब समझते होंगे कैवन छोटा है, लेकिन कैवन से मेरा बड़ा लाडला भी है और मेरा स्टूडेंट भी है। कैवन को सिखाते वक्त मैं लिहाज भी नहीं करता, कई बार कि कैवन को मारना भी नहीं करता, फिर रोंदा फिर बेचारे को होंगे तो कुछ नहीं रोंदा घर चला, फिर अपनी मां नाल आंदा है तो कहता मैं तेरे लिए कीता पादरी साहब ने कुटिया। तो ये है कि जब तक हम इस रस्म को कर रहे हैं, ये रस्म में हम सब शामिल हैं, क्योंकि एज ए खुदा का खादम आप लोगों के साथ कलाम को शेयर करते हुए हूँ मैं आप लोगों का नौकर भाई, लेकिन इस वक्त जिस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ खुदा के कलाम की, उसके मुताबिक इस वक्त मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा या खुदा के कलाम के मुताबिक आप लोगों के चरवाहे की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आपके जो है क्या कह सकता हूँ, आपके कलाम की बुनियादी की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, उस लिहाज से मैं आपसे बड़ा हूँ। तो जिसकी जिन जिन को हम बुलाएं वो प्लीज़ पाँव धोने की रस्म में सामने आए, और ये बात जहन में रखें कि अगर पीछे खिलोगे किसी ने कहना नहीं तो मसीह भी इस रस्म से भी शामिल नहीं, क्यों है कभी कि कोई गल नहीं चलता है मैं नहीं आया, तो वो इस रस्म में शामिल नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि कैवन सामने आए, क्योंकि कैवन गिरजाघर में मेरा सबसे पुराना कहना सारे तो सीनियर कैवन है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, यहाँ पर समीर भाई को भी ये बात शायद लगे, लेकिन चर्च में सबसे ज्यादा सीनियर स्टूडेंट मेरा कैवन है, कैवन मेरा सबसे सीनियर स्टूडेंट है। तो मैं चाहूंगा कि मैं कैवन से इस रस्म को आज शुरू करूं। I'm not afraid.
आप सब ने देखा कि मैंने छोटे बेटों के भी पांव धोए आज। उसको धोने की वजह क्या थी? जब मैं उनके पांव धो रहा था, मैं दुआ कर रहा था कि खुदावंद आने वाले वक्त में ये तेरी इसी तरबियत में रहे, कि ये अगर बड़े भी हो जाए ना तो छोटों के साथ इसी शफ़क़त से रहे, ताकि तेरी बरकत इनके साथ। अभी गो के हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, हमारे जो है क्या कहा जाए, जिस तरह हम पढ़ते हैं हमारी स्टडी बढ़ती जाती है, काबिल होते जाते हैं, कोई मेडिकल चला जाता है, कोई टीचिंग से चला जाता है, हर एक के रैंक बढ़ जाते हैं। लेकिन जब जो जितना बड़ा होगा, जितना छोटा होगा, उतनी ज्यादा बरकत पाएगा। सभी जो पांव धोने की रस्म है वो मेरी मिसेज जो है, क्योंकि खुदा उनका शुक्र है कि अभी हमारी इनके अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है कि तमाम इंतजाम हम कहें जी वो वाला बंदा भी कर रहा थे, वो ही कर रहे हैं, तो ये कि इंतजाम हम शेयर नहीं कर पाते। कई कामों में मिसेज जो है वो खुद ही यानी कि डील कर रही होती है सब कामों को। तो सम टाइम प्रेयर मीटिंग में अभी जिस तरह शुक्रगुजारी का जब हम जुम्मे को खाना देते हैं तो वो मिसेज खुद ही पकाती हैं, तो सम टाइम वो इबादत में भी लेट बैठती हैं, सम टाइम नहीं बैठती हैं। तो ये है कि खुदावंद करे आने वाले दिनों में हम इसको कर सके। सो मैं चाहूँगा कि आज हम जो है इस रस्म को जिस तरह पिछले साल भी हमने किया था, मेरी मिसेज जो है वो वन बाय वन, मैं चाहूँगा कि यहाँ से बेटियों से शुरू करें। जाहिर कर
बताता जाऊं कि मैंने पहले कहा था कि ये रस्म जो है ना बड़ों की है, छोटों की, यानी कि बड़े छोटे को जो है ना पांव वॉश करवा सकते हैं, छोटे बड़े को भी। लेकिन आज के दिन यानी कि एज ए खुदा के खादम, एज ए पास्टर प्रीस्ट ऑफ योर चर्च, यानी कि हम यहाँ पर बड़े हैं। लेकिन गुलशन बाजी खड़े हो चुके थे, तो फिर मैंने अच्छा नहीं समझा कि उनको मैं ये बोलूं कि नहीं आप पांव नहीं धो सकते, क्योंकि रस्मन जो है वो बड़े ने छोटे के पांव धोए। उसने आसे बाजी में जिस तरह धोए हैं, वो हमारी बड़ी बहन भी है तो धोए हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन आज के रस्म के मुताबिक गिरजा घर में खादमीन ने पांव धो लिए। तो वैसे आप यानी कि रस्म करना चाहते हैं, वैसे आप कर सकते हैं घर में छोटी सी प्रेयर करके, माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, खुदावन इनको पाकसार होना सिखा ताकि ये बरकत को रिसीव करें। मुझे बहन मेरी छोटी बहन भी कह रही थी, लेकिन मैंने उसको तो इशारा किया, लाइव में लोग देख रहे होंगे कि मैं कहता एक मिनट ठहरो, बताता हूँ। क्योंकि मैंने यही कलाम को शेयर किया कि यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह पड़े हैं, उन्होंने पांव धोने की रस्म को जो है वो निभाया है। और ये जो शागिर्द थे, इनमें से कुछ शागिर्द उम्र में छोटे भी थे और उम्र में बड़े भी थे, तो उन्होंने सबके धोए थे। ठीक है, सो ये एक रस्म थी। तो मैंने इसलिए बहन को खड़े हो गए थे, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता अगर कलीसिया में ऐसे कहूँ बहन के लिए, तो मुझे क्यों इस तरह किया गया। तो ये है कि ये रस्म जो है बड़ों की छोटे के पांव धोने की। सो अभी हम जो है शायर वाणी की दुआ करेंगे और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। शुक्र किया और कहा इसको लो लेकर आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला लेकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून का नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद का पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। ये जो आज हम रस्म निभाते हैं, ये जो हम मैं का प्याला पीते हैं, ये मैं का प्याला नहीं बल्कि खुदावंद का खून है जो हम पीते हैं और उसकी कुर्बानी में शरीक होते हैं। और ये जो हम रोटी खाते हैं, ये खुदावंद का बदन है जिसको हम आपस में बांटते और खाते हैं। और इस बात में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने बदन को हम जैसे गुनाहगारों के लिए दिया, हमने खाया और उसकी कुर्बानी में शरीक हुए। खुदावंद आज की इस कुर्बानी को कबूल करे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जो बहनें हैं वो सामने आए और वो इस रस्म में शामिल हों।
और अपने आप को इस बात में तस्लीम करेंगे। आज आप लोग खुदावंद के बदन को खाकर खुदा का बदन, आज आप लोग खुदा का लहू पीकर आपके बदन में उसका लहू है, ये जान रखे कि आज हम उसकी कुर्बानी में शरीक हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहीं कहें, खुदावन मैं तेरे हजूर आता हूं, आती हूं, खुदावन हमें बरकत दे। मसीह खुदावन आसमान के दरीचे खोलो, बरकत दे कि हम तेरे कमाल को मान सके, तेरे हुक्मों पर चल सके। तुझसे जिस तरह हमने कुर्बानी की तालीम ली, जिस तरह हमने खुदावन तुझसे सीखा कि बड़े होकर भी खुदावन खुद को खाकसार और छोटा रखना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, रुपए पैसे की कमी है, यीशु नाम से आज जाए, क्योंकि खुदावन ये तेरे बदन को, तेरे लहू को पीकर तेरे साथ तेरे शरीक बने। खुदावन जो लोग हमारे साथ यूट्यूब फेसबुक की विश्वासों से, इन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ, ये सब तेरे लहू में, तेरे हर एक काम में खुदावन शरीक है, जो तुमने जुल्म सहे, जो तकलीफ है सहे, मसीह खुदा नाम बनाम सबको बरकत देना, मसीह यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। एक दफा फिर से हम बुलंद आवाज से कहेंगे, आमेन, आमेन, आमेन। ऐसा ही हो कि हम खुदा उनकी हर कुर्बानी में, खुदा उनके हर लम्हे में, खुदा उनके हर काम में शरीक हो। ऐसा ही हो कि हम उसकी जो तकलीफों को याद करके अपने गुनाहों से दूर रहें। ऐसा ही हो कि हम बरकत को रसीव करें। ऐसा ही हो कि हम हमेशा खुदा से मोहब्बत को रसीव करें। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना ना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि पढ़ाई से बचा, क्योंकि बादशाह और पुत्र और जवान हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा बाप की रहमत, पात्रों का फजल, पात्रों के फाते पश्चात के तब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आदर जवान के साथ, और खुदावंद खास करके आज के दिन जो कि हम शराब की खाना तेरा बदन खाते हैं, खुदावंद हमारी शिरकत में किसी के साथ नफरत ना हो बल्कि खुदावंद तेरी तरफ से बरकत हो। खुदावंद अगर किसी के साथ किसी भी कोई भी वजह दुनियावी है, रूहानी है, कोई भी वजह, तो खुदावंद हमें माफ करने की तौफीक दे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आज